दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ से ज्यादा का डिमांड नोटिस भेजा है। वहीं कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद शनिवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झड़प भी हुई। बता दें कि इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध में लखनऊ के कांग्रेस जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोशित होकर आयकर विभाग कार्यालय का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदेश कार्यालय से कुछ ही दूरी पर सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके रोक दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार आयकर विभाग को हथियार बनाकर कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की खाते सीज किए गए और अब ये नोटिस इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार कांग्रेस से डरी हुई है और हमें और दबाने का प्रयास कर रही है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश के जनपदों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्यालयों से निकल करके इनकम टैक्स कार्यालय पर जा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स ने हमारी कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया है 13,82,000 करोड़ रुपए की नोटिस दिया है, बैंक खाते सीज करने का काम किया है, 1,25,00,000 रुपए पहले से निकाल लिया है, पार्टियों को वो चंदा लेकर के चंदा सीज करके वो चुनाव आया है। तो केंद्र की सरकार जानती है कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, आज इसीलिए वो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान को बनाने वाले हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय पर जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने हम लोगों को बैरिकेडिंग करके रोकने का काम किया है। जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के किसानों की नौजवानों की महिलाओं की आवाज को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस कांग्रेस जनों को अंदर करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। एकदम लगा आपका कहना एकदम सही है, यही है, जनता जान रही है। आज चुनाव हो गया है, सारी रिपोर्टें उनकी आ रही हैं, उनकी एलआईयू की रिपोर्ट आ रही है, चुनाव भारी मतों से हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है, केंद्र में सरकार बन रही है, इससे बौखलाए हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पर तानाशाही रवैये में अपना करके कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं, उनके लोगों पर ईडी का अटैक कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जेल डाला जा रहा है। जब कभी जनता की आवाज को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोकने बैरिकेड करने का काम किया जा रहा है। अगर ये कांग्रेस पार्टी करती तो ये पैदा ना होते, लेकिन उन्होंने विपक्ष का सम्मान किया, हमेशा विपक्ष को अपनी आवाज रखने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से ये तानाशाही सरकार घमंड में आकर के जनता की आवाजों को रोक रही है उनको रखने के लिए, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार चला गया है, सब परेशान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चुनाव हार रही है। दिल्ली का नेतृत्व तो ये कह रहा है कि बीजेपी का अगर आंकलन किया जाएगा आरके विभाग के साथ से तो कई गुना ज्यादा आपसे कोई नहीं है। स्वच्छ मीडिया के तरीके से आप ऑब्जर्व करिए, बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं, तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस को रोकने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम करते हैं, सरकारें तोड़ने का गिराने का काम करते हैं। हमारे कांग्रेस के ताकतवर आदमियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, खासतौर से लखनऊ का कार्यकर्ता, आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर नहीं है, लेकिन हम लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर के कांग्रेस का झंडा लेकर के राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद के नारे लगाते हुए
कांग्रेस के लोग निकल पड़ते हैं और जनता की आवाज को विधानसभा पर रखने का काम करते हैं। साथियों, हमारी आवाज को, हमारे नेताओं की आवाजों को आप जनता तक पहुंचाइए। निश्चित ये चुनाव हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी।